गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुदेश शुक्ला एंड आई विश टू टीच सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। सी एज इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड और वी हैव कवर्ड द टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। In that discussions, I hope you all understands what is the meaning or what is the definition. As a definition, I have wrote rough statements which you have also noted down. So there you come to know, and also you have an idea about the Heisenberg uncertainty principle. कि जो uncertainty principles में क्या drawbacks थी या किस वजह से हम उनको यूज किए, ये सब हमने डिस्कशन किया था। सी ये स्टेटमेंट उसी जो रफ स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था उसी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज मेजर्ड विथ एन अनसर्टेनिटी डेल ऑफ पी एक्स देन द अनसर्टेनिटी इन एक्स is given as, ठीक है। तो जो एक फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, what was that? Del x, del of p x greater than equal to h line upon 2 pi। ये हम लोगों ने फॉर्मूला मेंशन किया था। सी कल जैसे कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन जो किया था वो क्या था, सॉरी here I have written x upon 2, x by x line upon 2, और मैंने बताया था आपको कि जो x line होता है, x line that is equals to x upon 2 pi, ठीक है। तो जो आपका h होता है वो क्या होता है, Planck's constant whose value is equivalent to 6.64 × 10⁻¹⁴। तो यहाँ हमें ये जो फॉर्मूला मिला था, ये फॉर्मूला बेसिकली क्या था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इससे ये फॉर्मूला कैसे आया, जब हमने ये माना कि लीनियर मोशन के दौरान किसी एक डायरेक्शन में, हियर व्हाट आई हैव रिटन फॉर मेंशनिंग एक्स मोमेंटम विद सफिक्स एक्स, इट डिनोट्स दैट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बता रहा है कि x डायरेक्शन के अलोंग मोशन हो रहा है, और उस दौरान जो x कंपोनेंट है उसमें अगर अनसर्टेनिटी डेल px आती है, जो x कंपोनेंट होता है लीनियर मोशन के दौरान किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसमें अगर अनसर्टेनिटी डेल px आती है, और डेल p आपका क्या होता है, ये होता है मोमेंटम। तो अगर अनसर्टेनिटी डेल px आती है x कंपोनेंट को लेके, तो जो डेल x, जो x है, जो x में अनसर्टेनिटी आएगी दैट विल बी मिनिमम h लाइन अपॉन 2, ये इतनी अनसर्टेनिटी आएगी। और जब h लाइन की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो व्हाट वी हैव, डेल x डेल ऑफ px ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 pi, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने कल बताया था रीजन कि व्हाई आई हैव मेंशनड हियर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, व्हाई आई एम नॉट टेकिंग लेस देन इक्वल टू, और व्हाई आई एम नॉट टेकिंग ओनली इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि ये जो पोर्शन है ये हमारी मिनिमम अनसर्टेनिटी है जो कि आएगी ही आएगी, एंड दैट मिनिमम अनसर्टेनिटी जो आई हुई है दैट विल नॉट लेस देन टू दिस वैल्यू h अपॉन 4 पाई, इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस पे h अपॉन 4, ठीक है। फिर जब ये हमने एक डायरेक्शन के अलोंग मोशन ले रहे थे हम x डायरेक्शन के अलोंग, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने ये यूज किया था। अगर मैं यही मोशन y एक्सिस के अलोंग लेता हूं तो हमारे लिए फॉर्मूला जो बनता है दैट बिकम्स p y ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 pi। ये हमारी y डायरेक्शन के लिए है कि जो लीनियर मोशन है वो y डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है, जहां हम x डायरेक्शन के अलोंग लिए थे अब वो
y डायरेक्शन, y एक्सिस के अलोंग हो रहा है सिंगल डायरेक्शन में, तो हमने ये ले लिया। फिर अगर हम z डायरेक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमने ले लिया फॉर्मूला del of p z greater than equal to h upon 4 pi with z डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, तो वेदर इट में भी डेल एक्स और वेदर इट में भी डेल वाई और वेदर इट में भी डेल जेड, ये तीनों पैरामीटर्स आर सेम। सी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डेल एक्स तो ये आपका बता रहा है पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डेल वाई तो ये आपकी पोजीशन बता रहा है अलोंग वाई एक्सिस, अगर आई एम टॉकिंग अबाउट डेल जेड तो ये बता रहा है आपका लीनियर मोशन जो हो रहा है जेड एक्सिस के अलोंग, मतलब जो डेल एक्स है डेल वाई है या डेल जेड है, व्हाट इट इज बेसिकली अ पोजीशन, ये पोजीशन बता रहा है। सी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डेल ऑफ पीएक्स डेल ऑफ पीवाई डेल ऑफ पीजेड, तो डेल पीएक्स और डेल पीवाई और डेल पीजेड ये क्या बता रहा है, ये आपका मोमेंटम बता रहा है। तो जो अल्फाबेट जो कैरेक्टर यूज किया गया है डेल पी के साथ दैट मींस कि उस एक्सिस के अलोंग लीनियर मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों डायरेक्शन के लिए हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया। सी मैंने कल एग्जांपल लिया था कि जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है उसका मैंने कंक्लूजन कर लिया था कि हम कोई एक पैरामीटर को 100% जो ये कैलकुलेशन या जो बातें मैं कह रहा हूं वो किसके लिए है, इट इज फॉर क्वांटम पार्टिकल, इसके लिए वो हम बातें कर रहे हैं दैट इज फॉर क्वांटम पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल के लिए बात। I am not talking about the, or we are taking this conditions for the classical particle. I am taking it for the quantum particles. See, तो जो हमने quantum particle के लिए यहाँ पे बताया, ठीक है? ये हमने एक axis के along motion लिया, linear motion हो रहा था। अब देखिए, मैंने कल बताया कि जो Heisenberg uncertainty principle का conclusion था, what was that? कि जब भी हम, मैंने क्लासिकल वेव एक बार एग्जांपल लेके आपको समझाया, साथ में फिर मैं एक वेव ग्रुप लेके समझाया जो कि क्वांटम पार्टिकल से एसोसिएटेड होता है। वे स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको कि जब ये 25 साल का दौर रहा जब साइंटिस्ट या फिजिस्ट ने, रिसर्चर्स ने जब ऑब्जर्वेशंस किए थे उस दौरान उन्हें पता लगा कि जब डेविशन जर्मन सर की बात करते हैं तो उस दौरान जब 1927 में ये पता लगा कि जो रेडिएशन पार्टिकल्स है डेट आल्सो शोज अ वेव कैरेक्टर, और हम कहीं ना कहीं क्वांटम पार्टिकल को वेव ग्रुप से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब वेव ग्रुप से करते हैं मतलब वेव का नेचर या वेव टाइप का बिहेवियर है, और मैंने बताया था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दोस वेव्स, वेव्स अगर हैं वेदर इट में भी क्लासिकल वेव्स और वेदर इट में भी क्वांटम पार्टिकल्स रिलेटेड वेव और एसोसिएटेड वेव, उनके साथ वो प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम थी कि अगर दो पैरामीटर्स को हम लेते हैं तो साइमल्टेनियसली 100% एक्यूरेसी के साथ दोनों कैलकुलेट नहीं हो पाते हैं। क्या प्रॉब्लम आती है कि जब एक की एक्यूरेसी 100% होती है तो साथ में दूसरे पैरामीटर्स के साथ हमने क्या करना होता है, कंप्रोमाइज करना होता है। तो यहाँ पे सिमिलरली मैंने एग्जाम्पल लिया था कि अगर डेल ऑफ एक्स को हम जीरो ले लेते हैं, जीरो लेने मतलब क्या, ये जो डिफरेंस है ये एक तरह से कह सकते हैं कि एरर है, एरर अगर हम जीरो लेते हैं मतलब कहीं ना कहीं एक्यूरेसी 100% है। तो अगर पोजीशन में मैं एक्यूरेसी 100% रखता हूं तो साथ में मोमेंटम के साथ जो आपकी एक्यूरेसी बनती है वो क्या हो जाती है, एरर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब एक्यूरेसी वहां डिग्रेड हो जाती है। आप सिंपल रिलेशनशिप से आप देख सकते हो, अगर डेल ऑफ एक्स यहां रखता हूं डेल पी एक्स यहां डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, डेल ऑफ एक्स ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई डेल ऑफ पी एक्स रखता हूं मैं, तो अगर मैं यहां पे पी एक्स इनफाइनाइट रखूंगा तो डेल एक्स का जीरो होगा, दोनों क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर एक जीरो है तो अगला क्या होगा, अगला इनफाइनाइट होगा नो डाउट। तो कहीं ना कहीं अगर एक में 100% एक्यूरेसी आती है और यही कंडीशंस हर एक डायरेक्शन के लिए सेटिस्फाइड होगी, डेल ऑफ वाई अगर हम जीरो ले रहे हैं तो डेल ऑफ पी वाई आपके इनफाइनाइट होगी, डेल ऑफ जेड अगर मैं जीरो ले रहा हूं डेल ऑफ पी जेड इनफाइनाइट होगा, या इन टर्न आप डेल ऑफ जेड इनफाइनाइट लेते हैं तो डेल ऑफ पी जेड क्या होगा, ये जीरो होगा। मतलब आप चाहते हैं किसी केस में कि मोमेंटम में 100% एक्यूरेसी हो, जो मोमेंटम क्वांटम पार्टिकल का कैलकुलेट हो रहा है उसमें 100% एक्यूरेसी हो, एकदम प्रिसाइज रिजल्ट हो, तो उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा किसके
पोजीशन ऑफ दैट क्लासिकल पार्टिकल क्वांटम पार्टिकल, ठीक है, क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन के साथ आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। सी, अब जो यहाँ डेल एक्स डेल पी एक्स है, मतलब आप इससे आप ये देख रहे हो कि इसके साथ इसका रिलेशनशिप टफ, इट इज क्वाइट टफ। सी, अगर डेल एक्स और डेल ऑफ पी वाई डेल ऑफ पी जेड, ठीक है, तो इनके साथ हम कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हैं। डेल ऑफ एक्स के साथ मेरा एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट डेल ऑफ पी वाई का भी आया, डेल ऑफ पी जेड का भी आया, नो डाउट दोनों प्रिसाइज आएंगे साइमल्टेनियसली सेम इंस्टेंट पे, सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। लेकिन अगर बात मैं करूंगा डेल ऑफ पी एक्स के साथ, तो यहां पे प्रिसाइज रिजल्ट नहीं है इस डेल एक्स का। ये आपको स्टूडेंट्स डेल पी डेल पी वाई डेल पी जेड डेल पी एक्स आपको पता है, डेल पी ये तीनों क्या है, ये आपके मोमेंटम है, ठीक है, तो मोमेंटम है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो अगर मैं लीनियर मोशन ही हो रहा है, अगर मैं एक एक्सिस के अराउंड ही कर रहा हूं, डेल एक्स के साथ अगर डेल पी वाई की कैलकुलेशन करो, नो डाउट स्टूडेंट्स 100% रिजल्ट आएगा। डेल पी जेड के साथ करो, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट आएगा, दोनों पैरामीटर्स इक्वली एक्यूरेटली कैलकुलेट हो सकेंगे। लेकिन अगर डेल एक्स के साथ डेल पी एक्स निकालो, तो सेम यही कंडीशन बनेगी, जहां आप एक को एक्यूरेट पाते हुए, जहां आप एक को एक्यूरेट पाते हुए दूसरे के साथ आपने क्या करना होगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्रोमाइज करना होगा। लेकिन यहाँ इसके साथ अगर ये कैलकुलेट करते हैं, यू नीड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज। अगर आप इसके साथ इसको कैलकुलेट करते हैं, स्टिल यू हैवंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज विद एनी ऑफ द वन पैरामीटर्स, गॉट इट, तो इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ हमने देखा कि आपका क्या है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ हमें पता लग गया कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। सी, फिर हमारे दिमाग में आता है कि जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, क्या वो सिर्फ पोजीशन और मोमेंटम के लिए ही यूज होता है? तो क्योंकि यहाँ अभी जो मैंने इस टॉपिक के दौरान जो मैंने डिस्कशन किया, उस डिस्कशन से हमें यही पता लगा कि सिर्फ मैं बातें जो कर रहा था वो सिर्फ पोजीशन और मोमेंटम को लग कर रहा था। तो क्या सिर्फ इन्हीं क्वांटिटीज के लिए हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल है? नो स्टूडेंट्स, सी, मैंने बताया था आपको, और आई थिंक कि मैं पिछले दो लेक्चर्स में जो वीडियो लेक्चर्स थे उसमें मैं ये डिस्कशन कर रहा था कि दो टॉपिक की जो मैं बात करता हूँ, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच आई हैव टॉट टू यू पीपल एंड स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन विच आई विल टॉट यू, तो ये दोनों जो हैं, दीज आर द पिलर्स फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दीज आर द फंडामेंटल इक्वेशंस, मीन्स दीज इक्वेशंस और दिस प्रिंसिपल आर नाइदर derived from any other concept, किसी अदर कॉन्सेप्ट से ड्राइव नहीं हुए, इनके बिहाफ पे अदर इक्वेशंस ड्राइव किए जाते हैं। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करके हम न्यूटन्स लॉ ड्राइव कर सकते हैं, इस इक्वेशन का यूज करके हम न्यूटन्स लॉ ड्राइव कर सकते हैं, या कोई अदर फिनोमेना या लॉ को ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ये जो इक्वेशंस है, ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये फैक्ट्स है, ये कहीं से ड्राइव नहीं होते, ये खुद अपने आप में ही फंडामेंटल है, ठीक है। सी, तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ इन्हीं दो क्वांटिटीज के लिए एप्लीकेबल है, पोजीशन और मोमेंटम के लिए या वेवलेंथ के लिए, क्योंकि वेवलेंथ और पोजीशन आपको पता है कि क्या रिलेशनशिप होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यस स्टूडेंट्स, तो वहां पे आप इन दोनों तीनों पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? नो, सी, जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये हर एक क्वांटिटीज के लिए एप्लीकेबल है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक्शन का, जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एक्शन का है, एक्शन जिस भी, स्टूडेंट्स मैं इसको पहले रफ कर देता हूं, उसके बाद हम समझेंगे, ये आपको क्लियर है और माइंड में ये सेटअप हो जाना चाहिए कि क्या है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे ये कंडीशन कि किसके लिए एप्लीकेबल है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बिसाइड पोजीशन एंड मोमेंटम, और साथ में ही डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सी, मैंने बताया कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल
is not only applicable with the momentum and position quantities, but it can be applied to every quantity which is having a dimension equivalent to xn. Jinka dimension kya ho? Xn ka ho. Wo har ek quantity pe applicable hai aapka Heisenberg uncertainty principle. Like as I am taking example. Kya kehna ho jo maine bataya usko main aise likh ke main bataunga ki main kya kehna chah raha hu. Xn ka dimension matlab jaise energy और टाइम, ठीक है, ये इनका डायमेंशन एक्शन का होता है. सी स्क्वायर्स, अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला लूं एनर्जी का, व्हाट इट विल बी, एमएल स्क्वायर पी माइनस टू. एंड आई होप यू आर जस्ट इन बीटेक सेकेंड ईयर, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बीटेक सेकेंड ईयर, और ये डायमेंशनल फॉर्मूलाज प्लस टू में ही बता दिए जाते हैं आपको. अब ये प्लस टू में किसी कोर्सेज में, वेदर आई थिंक दैट आईसीएसई या सीबीएसई में प्लस टू में बताया, प्लस वन में बताया गया होगा. अब मैं जो कि यूपी बोर्ड से था, तो मुझे तो प्लस टू में ये मिला था, ये जो डायमेंशन सर मिले थे ये मुझे प्लस टू में मिले थे. तो आई होप कि जो भी यूपी बोर्ड से होंगे उनको भी प्लस टू में ही मिला होगा. जब भी हो, लेकिन ये आपको पता है कि कैसे लिखते हैं एनर्जी के लिए, वर्क के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, या काइनेटिक एनर्जी के लिए, या टाइम के लिए, या जो भी क्वांटिटीज हैं जूल के लिए, जिस जो भी है उसके लिए आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता होगा कैसे लिखते हैं, ठीक है. और टाइम के लिए जो आपका होता है वो होता है, तो जब इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं तो व्हाट वी हैव, सी वी हैव एमएल स्क्वायर पी माइनस वन. हमारे पास जो डायमेंशन निकल के आती है वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन. और यहाँ टी और यहाँ टी माइनस टू जब प्रोडक्ट लेते हैं तो व्हाट वी है माइनस टू और प्लस वन. यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट प्लस वन ले लेते हैं, तो माइनस टू और प्लस वन हमारे पास ये होता है माइनस वन. तो हमारे पास जो ये डायमेंशन निकल के आता है स्टूडेंट्स, जिस भी क्वान्टिटीज का प्रोडक्ट एक्शन का हो, दे आर कॉल्ड कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वान्टिटीज. व्हाट दे आर कॉल्ड, they are called canonically conjugate quantities. ठीक है स्टूडेंट्स, सी जिन भी क्वांटिटीज का डायमेंशन एक्शन का हो उन्हीं को हम कहते हैं canonically conjugate quantity. जिन भी क्वांटिटी का हो, और किस क्वांटिटी का होगा ये मैंने आपको यहां पे लिख के बताया. जैसे जो आपका पोजीशन और मोमेंटम है वो भी कैनोनिकली क्वांटिटी ही है, उनका भी प्रोडक्ट. वहां किसका प्रोडक्ट हो रहा था स्टूडेंट्स, वहां पे पोजीशन और मोमेंटम का प्रोडक्ट हो रहा था. तो पोजीशन और मोमेंटम का प्रोडक्ट भी क्या रिजल्ट करता है, एक्शन. कौन सी क्वांटिटी होती है कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटी. एनर्जी और टाइम का प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो कौन सी क्वांटिटी आती है, जो डायमेंशन आता है वो भी क्या कहलाती है, कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटी. ये जो जो क्वांटिटीज होंगे स्टूडेंट्स उनके लिए हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नो डाउट उनके उन क्वांटिटीज के लिए तुरंत एप्लीकेबल होता है, ठीक है. यहाँ पर जो मैंने लिया तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका बना, एक्शन का बना, या इसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज नथिंग बट द कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटी. ये भी आपकी क्या है, कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटी. इसके साथ अगर मैं जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लेके हमने देखा था उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं. डेल ऑफ एक्स डेल ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स अपॉन 4 पाई. क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसमें भी जो है वो हम लेते हैं डेल ऑफ एल मोमेंटम के क्रॉस पढ़ने ये डायमेंशन फॉर्मूला. पोजीशन, पोजीशन में लेंथ में करेंगे, लेंथ एल, जैसे हमने एग्जांपल निकाला एल्स इज इक्वल्स टू 25 मीटर, तो 25 मीटर 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 क्या है, लेंथ का एल एम एल टी माइनस 1. तो यहां पे हमारा जो रिजल्टेंट आता है व्हाट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस 1. एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, तो ये किसका है डायमेंशन, एक्शन. ये कौन सी क्वांटिटी है, स्टिल इट इज अ कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटी.
इसके लिए भी आपका क्या एप्लीकेबल है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। जो एनर्जी और टाइम का मैंने लिखा था तो वो भी क्या था? इसके लिए जो फॉर्मूला था व्हाट वाज दैट? डेल ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू के बाय टू। ठीक है, ये आपका एनर्जी और टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग था। यहां भी देखिए आप सेम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई किया जा रहा है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। डेल ऑफ जे डेल थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लाइन बाय टू। ठीक है स्टूडेंट, सी यहां पे जो डेल ऑफ जे है ये आपका है अनसर्टेनिटी एंगुलर मोमेंटम। इसमें है अनसर्टेनिटी एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज अनसर्टेनिटी इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो मैंने एग्जांपल के तौर पे जो मैंने यहां पे लिया है व्हाट इट इज बेसिकली कैनोनिकली कंसंट्रेट क्वांटिटीज वो या तो ये हुआ वो या तो ये हुआ वो या तो ये हुआ। ये तीनों क्या है आपके सिर्फ आपके दिमाग में आ सकता है कि सिर्फ यही तीन नहीं किस और साथ में भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दो तीन ऐसे ले लिए जिनको हम ये जान पाए कि कौन से कहलाएंगे एक्शन का फॉर्मूला। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स क्वांटिटी जो वेदर इट में भी पोजीशन वेदर इट में भी एनर्जी और वेदर इट में भी एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जो प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट का जो डायमेंशन आएगा दैट विल ऑलवेज बी ml स्क्वायर t माइनस 1। मतलब अगर बात होती है एक्शन का तो एक्शन का जो डायमेंशन आता है वो आपका आता है ml स्क्वायर t माइनस 1। जो भी फॉर्मूला हो जो भी प्रोडक्ट दो क्वांटिटीज का इंडिविजुअल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो रहा हो उनका डायमेंशन जिसका ml स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स सबका ml स्क्वायर t माइनस 1 एनर्जी को टाइम का भी आएगा ml स्क्वायर t माइनस 1 पोजीशन और मोमेंटम का भी आएगा ml स्क्वायर t माइनस Hisenberg uncertainty principle.
एप्लीकेशन ऑफ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हिजनबर्ग के बारे में हमने पढ़ा अभी तक, तो इन्होंने शुरुआत कैसे की थी कि हिजनबर्ग सर स्टार्टेड वर्क ऑन द प्रिंसिपल इन 1925 व्हेन ही सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डू नॉट ट्रेवल इन प्रिसाइज ऑर्बिट एंड देयर मोशन इज रैंडम एंड हार्ड टू प्रिडिक्ट. ठीक. और उस दौरान, उस दौर से आफ्टर 1925 की जो स्टार्टिंग थी उस दौरान से फिर हिजनबर्ग सर ने स्टार्ट कर दिया ऑब्जर्वेशन लेना, रिसर्च करना, और उन्होंने प्रिंसिपल दिया हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और उसी का हम एप्लीकेशन देखते हैं कि व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन. सो स्टूडेंट्स द फर्स्ट एप्लीकेशन इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस. सेकेंड, ग्राउंड स्टेट रेडियस एंड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. थर्ड, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम एटम. स्टूडेंट्स व्हाट आई एम राइटिंग हियर एज एन एप्लीकेशन ऑफ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दीज आर द फील्ड्स or the domains or the topics where Heisenberg uncertainty principle is implied and we find the results or humne result mila in a precise manner ke taur pe. To ye jo char applications hai, no doubt inke alawa bhi applications bante hain, lekin filhal ke liye हम यहाँ पे ये एप्लीकेशंस हम देखते हैं. यस स्टूडेंट, सी ये चार एप्लीकेशंस हैं कि जो हिजनबर्ग है वो कहता है कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते. इसका भी रीजन हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा ही एक्सप्लेन किया जाता है. ग्राउंड स्टेट रेडियस और एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. हम जो रेडियस है, क्या रेडियस होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे मूव कर रहा है वहां से न्यूक्लियस तक का, वो भी इजीली हम बता सकते हैं हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके. या एनर्जी एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन एटम, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम एटम अलोंग विद द हाइड्रोजन एटम यू कैन आल्सो एक्सप्लेन, यू आर एबल टू एक्सप्लेन इफ यू नो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि हीलियम एटम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है. फिर टू मेजर द मिनिमम एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर. हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की जो मिनिमम एनर्जी है वो भी आप बता सकते हो, ई मिनिमम वो भी आप बता सकते हैं यूजिंग द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सी आई विल डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूक्लियस इन अ फ्यू सेकंड्स. जस्ट हैव अ लुक टुवर्ड्स इट. स्टूडेंट्स आई होप आपने ये लिख लिया होगा तीनों एप्लीकेशंस, चारों एप्लीकेशंस. हम एक एप्लीकेशंस को थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं, एक मिनट लगेगा, हम इसको समझ लेंगे कि क्या है. सी वी नो दैट हमें पता है कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है, व्हाट इट इज डेल ऑफ पी डेल ऑफ एक्स दैट इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, नो डाउट ये आपको पता है. ठीक है स्टूडेंट्स, 2 पाई. तो अब देखिए क्या है कि ये आपका क्या है, आपका ये आपका है मोमेंटम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आपका मोमेंटम है, अगर मैं ये लेता हूँ डेल पी अगर पी डेल एक्स रिटर्न नहीं करता तो मैं ढूंढ पाई, यहाँ पे मैं लेता हूँ मोमेंटम डेल ऑफ पी इज इक्वल्स टू, मैं लेता हूँ मास इनटू
into del of s into mass. ठीक है स्टूडेंट्स, तो del of v हम कैलकुलेट करते हैं, तो del of v जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो del of v निकल के आता है वो आता है 5.8 into 10 the power 9 मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास कुछ del v निकल के आता है. कब निकल के आता है, वैल्यूज क्या पुट करते हैं, एच की जगह हम पुट करते हैं 6.64 इंटू 10 द पावर माइनस 34, पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं 3.14, डेल एक्स की वैल्यू पुट करते हैं हम 2 इंटू 10 द पावर माइनस 14, जो डेल एक्स है उसकी वैल्यू, डेल एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं स्टूडेंट्स 2 इंटू 10 द पावर माइनस 14, ये इसकी वैल्यू पुट करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं 9.1 इंटू 10 और माइनस 31, यू ऑल नो अबाउट इट. ठीक है, ये वैल्यूज हम परस्पर लेंगे और इसकी वैल्यूज जो होती है वो पुट करते हैं 6.64 * 10 - 34. व्हाट वी हैव डेल वी, जो वेलोसिटी की बात हम कर रहे हैं, जो सेंट्रिफ्यूगल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी किसकी बता रही है, इलेक्ट्रॉन की, कि अगर एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, इफ आई एम कंसीडरिंग कि इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज एग्जिस्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, इफ दैट इलेक्ट्रॉन इज एग्जिस्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस द वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विल बी 5.8 into 10 the power 9 meter per second. And students, I hope you know, आपको पता होगा कि किसी भी object की max velocity हो सकती है, that is equivalent to 3 into 10 the power 8 meter per second. और वो जो होती है, वो होती है speed of light. Nothing, no any type of object is having a speed greater than that of speed of light. This is not possible. कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी स्पीड इससे बियॉन्ड, इससे ज्यादा हो. बट हियर आई एम कैलकुलेटिंग बाय पुटिंग द वैल्यूज व्हाट वी हैव द इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी एज अ 5.8 इनटू 10 पावर 9. क्या इतनी वेलोसिटी हो सकती है? नहीं, क्योंकि तो हमें पता है कि जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी लॉज हैं, जितने भी फिनोमेना हैं, सबने यही प्रूव किया है कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, बियॉन्ड दैट कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं हो सकती. लेकिन यहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं पार्टिकल की जिसकी वेलोसिटी है, निकल तो ये वेलोसिटी कब आई? When we are considering that in the nucleus electron exists. तो ये बात गलत प्रूफ हो जाती है. और ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आउटसाइड रोटेट करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड रोटेट नहीं करता. तो स्टूडेंट्स, यहां से आई हो आपको क्लियर होता है कि अंक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन है किस प्रकार से होता है. सिमिलरली ऑल दोस एप्लीकेशंस फॉर एक्सप्लेन. ठीक है, तो ये हमारे लिए नियम था जिसमें मैंने एग्जांपल के तौर पे वैल्यूज लेके, ऐसा नहीं कि डेल एक्स की जो मैंने वैल्यू लिया 2.10 पर माइनस 14, ये रैंडम है. नो स्टूडेंट्स, ये रैंडम नहीं है, डिफाइंड वैल्यूज होती है. डेल एक्स के लिए, डेल वाई के लिए, डेल जेड के लिए डिफाइंड वैल्यूज है. तो वहां पे हमने इनकी वैल्यूज रखे और हमने ये कैलकुलेट किया. तो ये वैल्यूज कब आई थी? कि जब हमने ये माना था कि न्यूक्लियस के इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इससे प्रूव हो जाता है कि नहीं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटसाइड रोटेट करते हैं न्यूक्लियस में. तो आई होप यू ऑल कम टू नो अबाउट व्हाट आई हैव एक्सप्लेन टू यू स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.